Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video we are going to discuss question answer of chapter 5th, Movement Toward India. Now the question is, write a short note on demand for complete independence. Ab hum isme पूर्ण स्वराज के बारे में जो रेजोल्यूशन पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो द आंसर इज ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द डिमांड मेड इन द नेहरू रिपोर्ट. अब द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज गिवन द टाइम लिमिट टिल मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन. अब एक नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की थी. अब इस रिपोर्ट में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि दैट यंगर जनरेशन ऑफ लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर नॉट इन द फेवर ऑफ डोमिनेंट स्टेटस. डोमिनेंट स्टेटस मतलब पूरी तरीके से भारत पे अंग्रेजों का राज था और वो इंडियंस लीडर नहीं चाहते थे, क्योंकि ये देश इंडिया इंडियंस का भी है तो वो लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं. सो जब नेहरू रिपोर्ट में जब ये सब चीज़ उनको कही गई, जैसे डोमिनेंट स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल लॉज और फिर अडल्ट सफरेज, इसकी डिमांड की रखी गई, तो अंग्रेज़ों ने इस नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, जिसके उसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आपके पास 31 दिसंबर 1929 का टाइम है, उसके बाद हम लोग फिर रेजोल्यूशन पास करेंगे और आपके खिलाफ एक आंदोलन मुहिम करेंगे. देन द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक वार्षिक एक सेशन कंडक्ट हुआ जो टुक प्लेस एट लाहौर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी. रावी के किनारे, लाहौर में एक नदी है रावी, जिसके किनारे बातचीत की गई. एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. देन अ लाहौर सेशन. अब ये जो लाहौर में जो सेशन हो रहा था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस. उसमें एक रेजोल्यूशन बनाया गया जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने. द रेजोल्यूशन फर्दर अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26th of January 1930 एज अ इंडिपेंडेंस डे. अब इस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये भी चीज़ कही पूरी दुनिया, पूरे इंडिया के लोगों से, कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. जैसे आज के टाइम पे हम लोग 15 अगस्त आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त 1930 में इस रेजोल्यूशन के तहत लोगों से अपील की गई. एंड टेक अ प्लेस टू वर्क फॉर इंडिपेंडेंस. और उन्होंने अपील करी लोगों से कि वो आज़ादी के लिए काम करें. इन ऑर्डर टू रिमेंबर द हिस्टोरिकल इवेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज केम इन टू फोर्स ऑन 26th January 1950. अब 26th January 1930 को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, हमारा देश का जो संविधान है, इसीलिए 26th of January 1950 को फोर्स में लाया गया. एंड वी ऑब्जर्व 26th January एवरी ईयर एज अ रिपब्लिक डे. सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. एनी डाउट और एनी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.